When you're watching your favorite video, you don't want a break, do you? Take Bina Break. Download Tuck app. अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में आई और जब हमारी सरकार दिल्ली में आई तब दिल्ली का जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, पावर सेक्टर है, ऊर्जा सेक्टर है, उसमें बहुत खामियां थी, भ्रष्टाचार था, फॉल्ट्स थी, प्रॉब्लम्स थी। दिल्ली का बिजली विभाग और ऊर्जा सेक्टर कई बड़ी बड़ी बीमारियों से गुजर रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने उस बिजली सेक्टर की हर बीमारी का इलाज किया, हर रोग को समाप्त किया और उसी के चलते एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक डेवलपिंग कंट्री के लिए जो होता है वो करके दिखाया, जो कि है 24/7 बिजली। पहला सवाल ये है कि अगर यूपी में और हरियाणा में, जहां 8-8, 10-10, 12-12 घंटे के पावर कट लगते हैं और कई गांव और कई जिले ऐसे हैं जहां बिजली आती नहीं, अगर ये मॉडल है ऊर्जा का भारतीय जनता पार्टी का, पावर सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी की ये उपलब्धि है, तो क्या ये उपलब्धि और ये ट्रैक रिकॉर्ड लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के पास वोट मांगने जाएगी आने वाले चुनावों में? क्या हरियाणा और यूपी को ट्रैक रिकॉर्ड बनाकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दिल्ली की जनता से वोट मांगने जाएंगे क्या? हमारा दूसरा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी जो स्मार्ट सिटी के वादे करती है, हर चुनाव से पहले कहती है हम फलाने स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये स्मार्ट शहर बनाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी 12-12, 14-14 घंटे के पावर कट के सहारे स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है? क्या गुड़गांव जहां 8 घंटे का पावर कट लगता है, क्या गाजियाबाद जहां 12 घंटे के औसतन पावर कट लगते हैं, क्या इतने पावर कट लगाकर स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है? हमारा तीसरा सवाल, ऊपर वाला ना करे, अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए तो क्या दिल्ली में वही 2008-9-10 वाली हालत नहीं हो जाएगी, जब दिल्ली में 6-7-8 घंटे बिजली आया करती थी, जब जिस घर से जिस गली से गुजर जाओ वहां डीजल के जनरेटर चल रहे होते थे, धुएं धुआं हो रहा होता था और इन्वर्टर हुआ करते थे, क्या भारतीय जनता पार्टी हमें उसी 2008-2009 की दिल्ली में ले जाना चाहती है? और हमारा आखिरी सवाल कि भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल के भीतर दिल्ली के ऊर्जा सेक्टर की कायाकल्प कर दी, उसको पूरी तरीके से निखार दिया और 24 घंटे बिजली दी, कितना समय भारतीय जनता पार्टी को लगेगा अपने शासित राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 24 घंटे 7 दिन बिजली देने में, 24/7 बिजली देने में बीजेपी को, और कितने साल चाहिए? बिजली की सप्लाई अगर ठीक हो पाई तो इसके पीछे प्रबल इच्छा शक्ति अरविंद केजरीवाल जी की थी, हमारे ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन जी की थी, कि दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की, डिस्कॉम कंपनियों पे दबाव बनाकर उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराकर। आज दिल्ली के अंदर अगर 24 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है तो उसका सबसे बड़ा फायदा हमको क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा हुआ कि जनरेटर के कारण जो भयंकर प्रदूषण की स्थिति होती थी पूरे दिल्ली में, आज वो जनरेटर से होने वाला प्रदूषण कम हुआ, वो इन्वर्टर से होने वाला प्रदूषण कम हुआ। तो प्रदूषण खत्म करने में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कई चीजों की है, उनमें से एक चीज अगर देखी जाए तो वो बिजली की 24 घंटे आपूर्ति, बिजली की 24 घंटे सप्लाई करके हमने
दिल्ली में प्रदूषण कम करने में काफी मदद पाई ना।